नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के अंदर। मैं दुर्गाशंकर दुबे। आज इस वीडियो में हम पामिस्ट्री के अंदर सरकारी सेवा के, गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से योग हो सकते हैं, लाइंस का क्या पैटर्न हो सकता है, माउंट्स की क्या कंडीशंस हो सकती है, और हाकों में ऐसे कौन से विशेष साइंस या सिंबल्स होते हैं जो हमारा जुड़ाव सरकारी सेवा से, गवर्नमेंट जॉब से, सेमी गवर्नमेंट जॉब से, या किसी एमएनसी से भी जुड़े जहां कैरियर की स्टेबिलिटी रहती हो, उन सब के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बुनियादी चीजें बताऊंगा, कुछ ऐसी विशेष बातें बताऊंगा जो मैंने देखा कि जिन लोगों का जुड़ाव या जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होते हैं उन लोगों के हाथों में ये चीजें कॉमन होती हैं, ये चीजें लगभग पाई जाती हैं। जातक का हाथ सुंदर होना चाहिए। सुंदर से मेरा तात्पर्य उसके जो पर्वत हैं वो पिंकिश आभा लिए होने चाहिए, यानी कि ये पर्वत का जो उभार होता है या रेडिस या पिंकिश आभा लिए होता है, तो ये उन ग्रहों की बलाबल को बढ़ा देने वाला होता है, शुभता को बढ़ा देने वाला होता है। उंगलियों के जो टिप्स होते हैं ये रेडिस या पिंकिश कलर के होने चाहिए। दूसरा, कम से कम बृहस्पति पर्वत और सूर्य पर्वत अच्छी कंडीशंस में हो, यानी कि उभरे हुए हो, पिंकिश आभा लिए हो। यदि इन पर कोई शुभ चिन्ह हो तो यह बहुत अच्छी बात है। शुभ चिन्ह मतलब इन पर ट्रायंगल का साइन बना हुआ हो, स्क्वायर का साइन बना हुआ हो, स्टार बना हुआ हो, फ्लैग बना हुआ हो, या खड़ी रेखा ही हो, कुछ ना हो तो खड़ी रेखा हो इस तरीके से, तो वो भी इनकी शुभता को बढ़ाती है। तीसरी कंडीशन है, जातक का जो थंब है वो स्ट्रांग और लंबा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। साथ में यदि उसकी लिटिल फिंगर लंबी हो तो ये एक बेहतरीन कंडीशंस प्रोवाइड करती है। चौथी कंडीशन ये है कि जातक की फेट लाइन अच्छी होनी चाहिए। यहां फेट लाइन से मेरा तात्पर्य है एक ऐसी रेखा जो कहीं से भी प्रारंभ हो, यहां से यहां से यहां से स्टार्ट हो, कहीं से भी हो, लेकिन इस शनि पर्वत तक पहुंचने का प्रयास करें। ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का भाग शनि पर्वत कहलाता है, वो अच्छी होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए, उस पर कहीं कोई कट नहीं लगना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से वो हेल्दी कंडीशन में उस एज में होनी चाहिए जिस एज में सरकारी सेवा के लिए जातक प्रयास कर रहा हो, यानी कि जातक जिस वर्ष में या जिस उम्र के दौर में वो श्रम कर रहा हो गवर्नमेंट जॉब पाने का, और उस कंडीशन में उसकी फेट लाइन उसकी सपोर्टिव हुई, अच्छी कंडीशंस में हुई, तो उसको उसके फ्रूट्स पॉजिटिव वे में मिलेंगे, जल्द मिलेंगे और सपोर्टिंग नेचर में होंगे। यहां फेट लाइन को समझने के लिए एक चीज को जानना बहुत जरूरी है कि फेट लाइन हमारी जो है वो पतली, बारीक और विजिबल हो, मोटी, फैली, चौड़ी फेट लाइन ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। उसमें क्या एनर्जी का जो फ्लो होता है ना, सर्कुलेशन होता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जो पतली, बारीक और सिग्निफिकेंटली हमको विजिबल हो, वो हमको ज्यादा असर और पॉजिटिव रूप से हमको फायदा पहुंचाती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे विशिष्ट योग बताता हूं जो यदि अगर एक या दो भी अगर किसी जातक के हाथ में हो तो इस बात की संभावना बनती है कि जातक का जुड़ाव सरकारी सेवाओं से या सरकारी संस्थानों से या उसकी जॉब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पहला योग, जातक के जो लाइफलाइन है ये लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन से ऑफशूट निकलने चाहिए, यानी कि सीधी खड़ी रेखाएं इस लाइफलाइन जीवन रेखा से ऊपर की तरफ निकलनी चाहिए। ये बेशक छोटी बारीकी क्यों ना हो, छोटी छोटी ऑफशूट्स बड़े बड़े माइलस्टोन क्रिएट करने में योगदान देती है। जिस वर्ष या जिस उम्र के जिस दौर में जातक प्रयास कर रहा हो उस दौर में अगर ऑफशूट्स निकल रहे हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बढ़ जाती है कि जातक को उसके प्रयासों में मनचाही सफलता मिल सकती है।
दूसरा योग, जहां तक कि फेट लाइन अच्छी कंडीशंस में हो, यानी जैसा मैंने पूर्व में बताया कि फेट लाइन जिस उम्र में वो तैयारी कर रहा हो, प्रिपरेशंस कर रहा हो, उस उम्र में उसकी फेट लाइन अच्छी हो, उस पर कोई पॉजिटिव साइन हो, ट्राइंगल का साइन बन रहा हो, जैसे 28वें वर्ष में वो परीक्षा दे रहा है और 28वें वर्ष में उसकी फेट लाइन पर ट्राइंगल का साइन बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट उसको मिलने वाला होता है, इस बात को इंडिकेट करता है। फेट लाइन के साथ साथ में जहां तक कि यदि सनलाइन भी सिग्निफिकेंटली अच्छी कंडीशंस में हो, सनलाइन हमारी रिंग फिंगर के नीचे उपस्थित होती है, फेट लाइन कहीं से भी निकल रही हो और अच्छी कंडीशंस में हो और एक जातक के हाथ में सनलाइन हो जो कम से कम ये मस्तिष्क रेखा है इससे नीचे जा रही हो, तो ये इस बात को इंगित करती है कि जातक का जुड़ाव सरकारी सेवाओं से हो सकता है। तीसरा योग, जातक की फेट लाइन शनि पर्वत तक न जाकर बृहस्पति पर्वत की तरफ देखे, यानी कि बृहस्पति पर्वत की तरफ मुड़ जाए, तो यह भी इस प्रकार का एक विशेष योग होता है कि जातक का जुड़ाव सरकारी सेवाओं से, सरकारी संस्थानों से या सरकार के साथ में हो सकता है। ज्यादातर इस प्रकार की कंडीशंस टीचर्स के हाथों में देखने को मिली है। चौथा योग, जातक की फेट लाइन अच्छी हो और सूर्य पर्वत पर एक फिश का साइन हो, यानी कि उसकी सनलाइन ना भी हो या छोटी हो तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक फिश का सिंबल हो, तो वो भी जातक को मान सम्मान और उच्च पद पर ले जाने में बहुत योगदान देती है। पांचवा योग, जातक की फेट लाइन और सनलाइन का जुड़ाव हो जाए, यानी कि जैसे फेट लाइन इस तरीके से जा रही हो और यही सन फेट लाइन के किसी एक पॉइंट से सनलाइन का भी जुड़ाव होकर सूर्य पर्वत तक चली जाए, तो एक प्रकार से ये वी शेप बन जाएगी और ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार का राजयोग है, ये बहुत पॉजिटिव कंडीशंस है और यदि जिस उम्र में वो पॉइंट पर सनलाइन और फेट लाइन का जुड़ाव हो रहा है, उस उम्र में यदि जातक प्रयास करता है जिन चीजों में, चाहे वो सरकारी जॉब्स में हो या उसके उच्च पद प्राप्ति के लिए प्रमोशंस में हो, तो वहां उसको सफलता मिल सकती है। छठा योग, जातक की फेट लाइन अच्छी हो और उसकी मस्तिष्क रेखा है ये दो हो, यानी कि एक डबल माइंड लाइन हो, ये माइंड लाइन चल रही हो, इसके साथ साथ में इसके नीचे एक पैरेलल एक और माइंड लाइन हो, तो यह भी एक जातक में एक अलग तरीके की एनर्जी, अलग तरीके की क्रिएटिव सोच या अलग तरीके का काम करने का पैटर्न और उसमें सफलताओं को दर्शाती है। ऐसा जातक जिस चीज में भी प्रयास करता है उस चीज में वो सफलता प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। एक विशेष योग और बताता हूं, जातक का थंब स्ट्रांग होना चाहिए, पर्वत ठीक ठीक कंडीशंस में होने चाहिए, फेट लाइन अच्छी कंडीशंस में होनी चाहिए और यहां पर एक यव का साइन बना हो, इस पोर पर पहले और दूसरे पोर पर एक यव का साइन बना हो जिसे बुद्धा आईज कहते हैं। इसके साथ साथ ये निचले पोर यहां पर एक स्टार का साइन बना हुआ हो, तो यह भी बहुत अच्छा संदेश देती है कि जातक किसी उच्च पद पर, किसी टॉप लेवल की चीजों पर अपने आप को स्थापित कर सकेगा। एक योग और बताता हूं आपको, जातक की फेट लाइन अच्छी कंडीशंस में हो और उसकी ये हृदय रेखा है, उस हृदय रेखा के एक शाखा बीच में से निकलकर बृहस्पति पर्वत तक जाए, यानी बीच में से निकलकर एक बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए, तो यह भी इस बात को इंडिकेट करती है कि जातक का बड़े बड़े लोगों के साथ में या सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के साथ में या अपने आप को सरकारी संस्थानों के साथ में अपना जुड़ाव भविष्य में रखेगा। यहां हमको इस चीज का समझना बहुत जरूरी है कि यदि किसी भी परिस्थिति में जातक की फेट लाइन अच्छी हो और बृहस्पति पर्वत पर या सूर्य पर्वत पर कोई अच्छे साइन बन रहे हो, सपोज कीजिए स्टार का सिंबल बन रहा हो,
सनलाइन पर स्टार का सिंबल बन रहा हो, या फ्लैग का साइन बन रहा हो, झंडे का चिन्ह बन रहा हो, या त्रिशूल का साइन बन रहा हो सनलाइन पर, तो यह भी इस बात की इंडिकेशन देता है कि जातक का सरकारी सेवाओं के साथ में जुड़ाव हो सकता है। दरअसल सूर्य सरकार को या हमारे मान सम्मान को, हमारी रेस्पेक्ट को, हमारे आदर को डिनोट करता है। बृहस्पति हमारे ज्ञान का प्रतीक है, उच्च पद का प्रतीक है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। और जो हमारा चंद्र पर्वत है वो भी ठीक ठीक, चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मन मजबूत होता है तो ज्यादातर हम चीजों से पार पा ही लेते हैं। और चंद्रमा अगर हमारा वीक होता है, इस पर नेगेटिव साइन होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है, तो हमारा मन में निराशा के भाव या जो चीजों को अपने अनुकूल न मिलने पर प्रयासों की प्रायिकता को कम कर देना, इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती है। सो आज इस वीडियो में मैंने आपको सरकारी सेवाओं के बारे में कुछ प्रमुख योग बताए। इसके अलावा भी अनेकों ऐसे योग होते हैं जिनके बारे में मैं पार्ट टू बहुत जल्दी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो ज्ञानप्रद लगा होगा, और पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।